मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के अकोला में रविवार को टीन शेड पर पेड़ गिर जाने से 7 लोगों की मौत हो गई है जबकि 30 लोग घायल हो गए हैं। हादसा अकोला के पारस गांव में हुआ है। यहां करीब 40 लोग बाबूजी महाराज संस्थान में धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और यहाँ शाम करीब 7 बजे के आसपास में जोरदार बारिश होने लगी और तेज हवा चलने लगी। इसकी वजह से एक नीम का पेड़ उखड़कर उस टीन शेड पर गिर पड़ा जिसके नीचे ये सभी श्रद्धालु इकट्ठा हुए थे। इनमें से 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 36 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में से 3 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव राहत टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से रेस्क्यू का काम शुरू किया गया जो सुबह करीब 3 बजे के आसपास तक जारी रहा। लोगों ने आरी से पेड़ को काटकर उसे हटाया और मलबे को साफ करने के लिए जेसीबी की मदद ली गई। पुलिस के मुताबिक पारस अकोला जिले के बालापुर तालुका एक गाँव है। यहाँ एक बाबूजी महाराज संस्थान के मंदिर में रविवार होने के कारण शाम को आरती और दर्शन के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी। संस्थान क्षेत्र में शाम करीब 7:30 बजे आरती शुरू हुई। इस मंदिर के बाहर एक बड़ा टीन शेड है। जिले में बेमौसम बारिश हुई जिसकी वजह से रास्ते से गुजरने वाले लोग और श्रद्धालु बारिश से बचने के लिए इस टीन शेड के नीचे आकर खड़े हो गए थे। हादसे के दौरान टीन शेड के नीचे करीब 40 से 50 लोग मौजूद थे और ये भयानक हादसा हो गया। क्या बाबूजी महाराज मंदिर के सामने एक टीन का शेड था, उस शेड में बारिश होने की वजह से कुछ लोगों ने आसरा लिया था। उसी वक्त हवा छूट गई, हवा छूटने से शेड नीचे गिर गया, शेड के ऊपर नीम का पेड़ गिर गया। उसमें वो हादसे में 4 लोग अभी तक मृत हो गए और 8 लोग जख्मी है। 8 लोगों को अकोला मेन हॉस्पिटल भेज दिया गया है, 8 में से 3 सीरियस है ऐसी जानकारी है। बाकी और लोग अगर आए नीचे तो बचाने की कोशिश चल रही है।